खबर रीवा जिले से है, जहां नगर निगम के द्वारा घर घर कचरा उठाने के लिए कंपनी को ठेका दिया गया है। इसके लिए शहर में अलग अलग क्षेत्रों से वाहन लगाए गए हैं, जिसकी शुल्क भी निर्धारित है। इसके बावजूद शहर के लोग कचरा वाहनों को कचरा ना देकर खुले मैदान और नालियों में कचरा फेंकते हैं, जिसके चलते आए दिन नालियां चौक होती हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब नगर निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल मामला शहर के नेहरू नगर कॉलोनी वार्ड क्रमांक 13 का है, जहां की पार्षद नम्रता सिंह के पहल पर यह कार्यवाही शुरू हुई है। आपको बता दें कि नेहरू नगर के कई पार्कों का जहां सौंदर्यीकरण किया गया है, वहीं साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। निर्दलीय पार्षद के द्वारा वार्ड को स्वच्छ रखने के लिए लोगों से अपील की जा रही थी, इसके बावजूद लोग नालियों में कचरा फेंकते हैं। पार्षद नम्रता सिंह ने कहा कि अगर कचरा फेंका गया तो इसकी जानकारी जुटाकर ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। रीवा जिले में स्वच्छता अभियान के तहत नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 13 में नई पहल, पहली बार ऐसा हुआ जो कॉलोनी के अंदर कचरा फेंकने वालों के ऊपर कार्रवाई हुई, जुर्माना लगाया गया। इसमें हमारे पाड़वासियों का भी सहयोग रहा और शायद ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा और आए दिन कचरा फेंकने वाले के ऊपर जुर्माना लगता रहेगा तो शायद हमारा रीवा इंदौर को टक्कर दे सकता है। और इसमें हमारे वार्डवासियों का सहयोग, और वार्डवासी डरेंगे और थोड़ा झिझकेंगे कचरा फेंकने से, इसलिए वार्डवासियों का सहयोग और नगर निगम का शासन प्रशासन का सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी आभारी हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमेशा अग्रसर रहें और काम करते रहें। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।